बार्सिक ऑफ गुल्टनी की फोर की सूरत में हम देखते हैं एट ने काफी ज्यादा गॉब्लिंग्स को फिर से मार रहा था, जिसे लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। एक न्यू टाइटल मिला होता है उस लोग के लिए, लिच। आर्ट बोलता है कि मजा आया गॉब्लिंग्स को मारने में। फेड भी हाँ बोल देता है। फेड के पास आकर बोलती है कि मेरे पास और एक सीक्रेट काम है। फेड बोलता है कि क्या हमें और एक बार इन्फेक्शन के लिए जाना है बाहर? बोलती है कि हाँ ऐसा ही कुछ। और ये दोनों बैठकर गाड़ी में जाने लगते हैं। जो रॉक्सी होती है वो फेड को लेकर मेंशन जा रही होती है, और वो जाते वक्त जितने भी जमीन पड़ते हैं ये सब रॉक्सी के ही होते हैं। कुछ समय के बाद वो उसके घर पर भी पहुंच जाते हैं। रॉक्सी की मॉम बाहर आती है अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए। रॉक्सी बोलती है कि आप बाहर क्यों आई? रॉक्सी की मॉम की नजर फैट के ऊपर जाती है और पूछती है ये कौन है? रॉक्सी बोलती है कि ये मेरा न्यू सर्वेंट है, मैं आपसे मिलने लाई हूँ इसे। फैट डरते हुए बोलता है कि मेरा नाम है फ्रेड ग्रिफाइट। रॉक्सी की मॉम बोलती है कि मेरा नाम है आयशा हार्ट। आयशा उसे अच्छे से ग्रीट करती है। बार्ट बोलता है कि ये फ्रेंडली माहौल तुझे कैसा लगता है? जो आयशा होती है वो फैट को पास बुलाकर बोलती है कि रॉक्सी तुम्हें कैसी लगती है? ये सुनकर रॉक्सी के साथ फैट भी शॉक हो जाता है। उस रॉक्सी की मॉम बोलती है कि मैं तो एक ओनर और एम्प्लॉय की बात कर रही थी, तुम क्या समझे? फैट घुटने में बैठकर बोलता है कि लेडी रॉक्सी मेरी मास्टर की जैसे समान है, मैं जिंदगी का आखिरी सांस तक उनका साथ दूंगा। ये सुनकर रॉक्सी शर्माकर भाग जाती है अपने रूम में। उसकी मॉम बोलती है कि ये हर छोटी चीज को देखकर डर जाती है। फैट बोलते है कि ये तो कैपिटल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी मॉम बोलती कि यही तो बात है, ये होलियन बन कैसे गई? बोलती है कि ये अपने खुद को फोर्स तो नहीं कर रही है ना हार्ट फैमिली का नया मास्टर बनने के लिए। फैट बोलता है कि रॉक्सी मैडम बहुत अच्छा होलियन आइडिया है, आपको उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए। अगले दिन रॉक्सी को अपने कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर वो डैड की फोटो देख रही होती है। तब की याद आती है जब उसके डैड थे उसे तलवारबाजी सिखा रहे थे, और उसके डैड ही उसके हौसले को बढ़ाते थे, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जो फेट होता है वो हार्ट गार्डन के अंदर काम करने लगता है। जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो बेटे। और फ्री होते ही वो लोग जूस पीते हैं, खाना खाते हैं, मजे करते हैं और बोलते हैं कि हमारे लॉर्ड बहुत मासूम हुआ करते थे और हमारे साथ बहुत मजे करते थे। बेटा मैं मुझे तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि क्या हुआ। ये टाइम रॉक्सी के लिए काफी हार्ड था। रॉक्सी हर साल लेम पर आती है क्योंकि उसे थोड़ी गार्डन के ख्याल भी रखना होता है, और इसी समय में यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। तो बोल देते हैं कि जो मॉन्स्टर है यहाँ से थोड़े दूर से आते हैं। फेट के पेट से आवाज आने लगता है और फेट शर्मा जाता है। स्वार बोलता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है? वहाँ पर रॉक्सी आ जाती है और बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, तुम मैं इनसे जाओ। फेड भी उसका बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते से जाते हुए एक लड़की को देखता है जो कि बहुत खतरनाक हथियार पकड़ कर खड़ी होती है। जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं लड़की बोलती है यू, सोचता है कि हम दोनों की आग तो सेम लग रही है। वो उसके ऊपर एब्राजाइल का मैजिक यूज करता है तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। थोड़ी बातचीत के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लड़की उसे सायोनारा बोलकर चली जाती है। फेट अपना स्वार से पूछता है कि ये कौन है? स्वार बोलता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है। जो रॉक्सी होती है वो भी उस लड़की को क्रश कर आगे आ रही होती है। सी फेट के पास आकर बोलते है कि ये शायद गालियन है, ये एक वार था, मुझे तो इतना नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये बहुत बड़ा लड़ाई था, शायद उनमें से एक बच गए थे ये। फिर वो जाने का मन बना लेते हैं। जाते हुए फेट बोलता है कि मैंने सुना यहाँ पर मॉन्स्टर आते हैं, और बोलता है कि क्या तुम उन्हें अकेले संभाल लोगे? रॉक्सी बोलती कि मैं अकेले कहाँ, मेरे साथ काफी वॉरियर्स भी है। अगले दिन हम देखते हैं जो गॉब्लिंग्स होते हैं वो जमीन को
तहस नहस कर दिए होते हैं। और हम देखते हैं रॉक्सी और बाकी के जो सोल्जर होते हैं वो उन गॉब्लिंस के ऊपर नजर टिका के रखते हैं। वो झाड़ियों में हिलते हुए कुछ गॉब्लिंस के ऊपर नजर जाता है और वो गॉब्लिंस बहुत अजीब दिख रहा होता है और साइज में बहुत बड़ा भी होता है। फेट का भूख बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे साइको बनने लगता है। स्वार्ट बोलता है कि तुझे इन गॉब्लिंग्स को मारना ही होगा। मैंने सुना है इन गॉब्लिंग्स को क्राउन गॉब्लिंग्स कहा जाता है। ये दिखना काफी रेयर है और ये हमें देख रहे हैं ये तो बहुत बड़ा बात है। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। रॉक्सी बोलती है कि यहाँ से कोई भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि बहुत खतरा है और मैं एक होली नाइट हूँ, मैं जा सकती हूँ। लेकिन सब लोग जिद्दी करते हैं कि हम भी जाएंगे। रॉक्सी बोलती कि अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है, हम सब नहीं जा सकते हैं। और स्वार्ट बोलता है कि हम उनके साथ नहीं फाइट कर सकते हैं क्योंकि उनका लेवल हमारे लेवल से काफी ज्यादा है। फेट बोलता है कि मैं रॉक्सी को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। और हमारा हीरो निकल जाता है रात के अंधेरे से गॉब्लिंस को मारने के लिए। स्वार्ट बोलता है कि आज क्या प्लान है। फेट बोलता है कि मैं आज स्वार्ट से नहीं बो से लड़ने वाला हूँ। और वो गॉब्लिंस को मारना शुरू कर देता है। वो नॉर्मल गॉब्लिंग की बराबर भी नहीं होते है, लेकिन वो जो क्राउन गॉब्लिंग होता है वो उसके तरफ बढ़ भी नहीं रहा होता है। फेट जैसे ही उसके ऊपर हमला करता है वो अपनी चमचों को आगे ले आता है। फेट सोचता है कि उसके पास इतना लेवल हो जाने के बाद भी वो उस गॉब्लिंग को नहीं मार पा रहा है। फेट उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो गॉब्लिंग एक हाथ से उसे रोक लेता है। फेट जान लेता है कि ये फेक है और जो गॉब्लिंग्स होते हैं वो उसे थोड़ा घायल कर देते हैं लेकिन वो खुद को हील कर देता है। जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर हमला करता है और उसको घायल करके नदी में फेंक देता है। गार्ड उसे जागने के लिए बोलता है। जैसे ही दूसरा गॉब्लिंग उसके ऊपर हमला करता है फेट जाग जाता है। वो बहुत ज्यादा मॉन्स्टर से पिट रहा होता है। स्वार्ड बोलता है कि तू अपना 10% पावर मुझे दे देगा तो शायद मैं उनको हरा सकता हूँ। इस बार सुपर सो बो को यूज करने के लिए तैयार था। वो मॉन्स्टर और फेट एक साथ एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। फेट उस मॉन्स्टर को मारकर उसका चित्र उड़ा देता है। फेट पावर छोड़ने के बाद अपनी पावर को फिर से रिगेन कर देता है। वो सारी जगह को तहस नहस कर चुका होता है और वो अपने खुद के ऊपर हैवी हो रहा होता है। स्वार्ट बोलता है कि तू खुद के ऊपर हैवी मत होने दे, अगर तू भटक जाएगा तो सब तहस नहस हो जाएगा। जब सुबह वॉरियर्स निकलते हैं वो देखते हैं कि गॉब्लिंग्स को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। रॉक्सी सोचती कि ये किसने किया। और हम अगले सीन में देखते हैं हमारा फेट मिस आयशा और रॉक्सी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। रॉक्सी बोलती कि ये कांड किसने किया है। रॉक्सी का पहला शक गालिन के ऊपर जा रहा होता है क्योंकि उसका पावर होली नाइट से काफी ज्यादा होता है। फिर वो लोग वहीं पर कुछ हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद मिस आयशा फेट को अपने कमरे में बुलाती है और बोलती है कि रॉक्सी का अच्छे से ख्याल रखना। फेट बोलता है कि मैं इसकी काबिल नहीं हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि मैं भी एक इंसान ही हूँ तुम्हारी जैसा, मेरे पास भी खास स्किल नहीं है कुछ भी। जो रॉक्सी है वो हाफ ब्लड है, वो हाफ होलीनाइट है और हाफ ह्यूमन है। तो मिसेस आयशा की तबीयत खराब होती है और बोलती कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मैं चाहती हूँ तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखो। रॉक्सी और फेट वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जो फेट होता है वो गॉब्लिंस को काफी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। वो देखता है कि गॉब्लिन को मारना उसका भूख नहीं मिटा रहा है अब, और वो सोचता है कि चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। और हम अगले सीन में फेट को देखते हैं जो कि बार के अंदर बैठा होता है और वो उसके आँख में आई पैच लगा कर बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक अंकल आकर बोलते हैं कि तुम्हें पता है यहाँ पर लॉर्ड हार्ट लीड कर रहे हैं उस लिच को पकड़ने में। भी फेट को कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। हम देखते हैं जो होली नाइट होते हैं वो झुके पड़े होते हैं। रॉक्सी उठकर अपने डैड की कब्र में चली जाती है और बोलती कि मुझे गालिया में जाने के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है, मैं चाहूंगी कि आप मेरे ऊपर नजर
बना के रखे। फेड वहाँ पर आकर बोलता है, प्लीज आप वहाँ पर मत जाए, आपके जान के ऊपर खतरा है। रॉक्सी बोलती है, मैं तो डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे तो वहीं पर ही जाना है। और बाकी के जो लोग होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं। जो रफेल होता है वो हाड़ों के ऊपर लीच का काम तमाम करने के लिए छोड़ देता है। फेड बोलता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा पावर नहीं है, मैं किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फेड बनकर अब आ चुका है वो वक्त, मार दिया जाए फेड को और जिंदा किया जाए लीच को। होली नाइट उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो यहीं पर ही हमारे ये शानदार वीडियो खत्म होता है। आपको कैसे वीडियो लगे कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए।